हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज 21 सितंबर 2024 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि आश्विन कृष्ण चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए। काफी सारी महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें आई है, देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां आप देखने वाले हैं ना, तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज है विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत, यानी विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी विघ्न बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। हिंदू धर्म में विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है और ये व्रत आज भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। भगवान गणेश जी को हम विघ्नहर्ता और बुद्धि समृद्धि और सौभाग्य के देवता मानते हैं। आज का व्रत करने से जीवन में आने वाली बाधाओं, संकटों और विघ्नों का नाश होता है। लेके प्रभु श्री गणेश का नाम। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि टीडीपी का दावा है कि तिरुपति लड्डू में एनिमल फेट फिश ऑयल था। वहीं इस मामले को लेकर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है और मंदिर ने जांच कमेटी भी बनाई है। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी वाला जो विवाद है वो दिल्ली तक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार से इस मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि मैंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की है, मंदिर के प्रसाद यानी लड्डू की जांच कराई जाएगी। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ था जब राज्य के सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने बुधवार को ये आरोप लगाए थे कि राज्य में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया था। और इसके अगले दिन टीडीपी ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का भी दावा किया। इसके खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस ने हाईकोर्ट से नायडू के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाने की भी मांग की है और कोर्ट इस पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगा। आपको बताएं, तिरुपति मंदिर के 300 साल पुराने किचन में रोजाना 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। तिरुमाला ट्रस्ट हर साल प्रसादम से सालाना 500 करोड़ रुपए भी कमाता है। वही देखिए, तिरुपति के लड्डू पर विवाद के बाद अब काशी विश्वनाथ के महाप्रसाद की भी जांच हुई है। शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर के एसडीएम शंभु शरण सिंह अचानक मंदिर का प्रसाद तैयार करने वाले स्थल पर पहुंच गए और वहां काशी विश्वनाथ के महाप्रसाद के शुद्धता की जांच की। वही देखिए, तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का ये मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस और मुद्दे पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रसाद के अपवित्र होने की खबरें परेशान करने वाली हैं। देश भर में अथॉरिटी को हमारे धार्मिक संस्थानों की पवित्रता की रक्षा करनी होगी। वही देखिए, तिरुपति लड्डू का ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है और मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। याचिका लगाई गई है जिसमें दावा किया गया कि प्रसाद में मिलावट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। इसके साथ साथ याचिका में अदालत के कई पूर्व के फैसलों का भी जिक्र किया गया। वहीं देखिए, राजनीति के लिए भगवान का इस्तेमाल, तिरुपति लड्डू विवाद पर बोले पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी ने यह पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नायडू राजनीति के लिए भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं, राज्य की जनता सरकार के 100 दिन के कामों से खुश नहीं है। अना और बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक के मंदिरों में प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल होगा अब सिर्फ नंदिनी घी। सरकार ने सर्कुलर भी जारी किया है। कर्नाटक के मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा है, कर्नाटक के सभी प्रमुख मंदिरों को प्रसाद में सिर्फ केएमएफ के नंदिनी घी का इस्तेमाल करने के लिए आज या कल में सर्कुलर जारी हो जाएगा। हम कर्नाटक के प्रमुख मंदिरों में दिए जाने वाले प्रसाद की भी जांच करेंगे। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। बंगाल चुनाव में हिंसा मामले पर सीबीआई को फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ऐसे बोल रही जैसे बंगाल की अदालतों में दुश्मनी का माहौल है। पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई की याचिका खारिज कर दी और उसे फटकार भी लगाई है। और कोलकाता में आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है। अब वो अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख पाएंगे और किसी को प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं लिख सकेंगे। पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल ने संदीप का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है और इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हो गई है। अना और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी किंग मेकर बनेगी। मुझे जेल भेजकर एमएलए खरीदने चाहे, दिल्ली वाले दोबारा जिताएंगे तो ही सीएम कुर्सी पर बैठूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल पहली बार हरियाणा दौरे पर हैं। केजरीवाल ने यमुनानगर के जगाधरी में 1.5 किलोमीटर रोड शो भी किया। रोड शो में समर्थकों से बोले कि हरियाणा में इस बार चुनाव में जो भी सरकार बनेगी वह बिना आम आदमी पार्टी के नहीं बनेगी। अना और बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईटी संशोधन नियम 2023 को रद्द कर दिया। केंद्र सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट को असंवैधानिक बताया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नियमों को असंवैधानिक करार दिया और उन्हें रद्द कर दिया। इन संशोधनों में सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी और झूठी सामग्री की पहचान करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति ने शुक्रवार को कहा कि नियमों ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है, यानी केंद्र सरकार फैक्ट चेक यूनिट नहीं बना सकेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगाई और
और कहा कि आईटी एक्ट में संशोधन लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल है कि यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने वाले वीडियो लाइव हो गए, यूट्यूब ने चैनल को बंद कर दिया। शुक्रवार को ये बड़ी खबर देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल शुक्रवार 20 सितंबर को हैक हो गया और शीर्ष अदालत के यूट्यूब चैनल पर यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी XRP को बढ़ावा देने वाले वीडियो दिखाई दे रहे थे, जिसे रिपल लैब ने डेवलप किया है। इससे पहले बदमाशों ने चैनल का नाम बदला और पहले की सुनवाई के वीडियो प्राइवेट किए। इस घटना के थोड़ी देर बाद यूट्यूब ने चैनल को हटा दिया। अब वापस रिकवर करने की कार्रवाई हो रही है। वहीं देखिए बड़ी खबर, श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव आज, सर्वे में चीन समर्थक अनुराग दिशानाय के सबसे आगे बताए जा रहे हैं। सरकार बनने पर अडानी प्रोजेक्ट रद्द करने का वादा किया है। मतलब श्रीलंका में आज शनिवार को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे। हालिया सर्वे के मुताबिक नेशनल पीपुल्स पावर यानी NPP के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अनुराग कुमारा दिशानाय के रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं और वे चीन के समर्थक माने जाते हैं। अनुराग ने यह वादा किया हुआ कि जीतने के बाद वे अडानी के प्रोजेक्ट को रद्द कर देंगे। अनुराग के अलावा भी इस रेस में 3 और बड़े उम्मीदवार हैं। अना और इजराइल की 24 घंटे में लेबनान में दूसरी एयर स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्ला के ठिकाने पर लड़ाकू विमान से हमला हुआ। पहले अटैक में तबाह किए थे 1000 रॉकेट बैरल। 24 घंटे में लेबनान में दूसरी एयर स्ट्राइक हुई, 12 लोगों की जाने चली गई है। वहीं हिजबुल्ला का सीनियर कमांडर इब्राहिम आकिल भी मारा गया। लेबनान को लेकर ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने आपातकालीन बैठक भी की है और हालिया हालात पर चर्चा हुई है। लेबनान में पेजर और रेडियो विस्फोटों के बाद हिजबुल्ला और इजरायली सेना के बीच युद्ध जारी है और इसी घटनाक्रम को देखते हुए ब्रिटेन में सरकार की आपातकालीन समिति की बैठक बुलाई गई। ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि इजरायल ने 15 साल तक पेजर ब्लास्ट की प्लानिंग की, फेक कंपनी बनाई, पेजर में 50 ग्राम विस्फोटक रखा और रिमोट से धमाके किए गए। वहीं अब देखिए, लेबनान में फ्लाइट में पेजर नहीं ले जा सकेंगे लोग, वॉकी टॉकी पर भी बैन लगा दिया गया है। वहीं हिजबुल्ला को बड़ी कीमत चुकानी होगी, हमले के बाद इजरायल ने फिर धमकी दी है। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा कि हमारा लक्ष्य इजरायल के उत्तरी हिस्से के लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हिजबुल्ला को और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, हमारी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। इजरायल ने ये बड़ी चेतावनी दी है। और इजरायल के खिलाफ खड़े हुए 124 देश फिलिस्तीन प्रस्ताव पर UNGA वोटिंग की पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। फिलिस्तीन के क्षेत्र से इजरायल के गैर कानूनी कब्जे को खत्म करने को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया था जिस पर वोटिंग हुई है। 124 देशों ने इजरायल के खिलाफ वोटिंग की है जबकि 13 देशों ने इजरायल का समर्थन किया है। वही आपको बताएं, हमारे देश से इंडिया समेत 43 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। बड़ी खबर देखिए, विनाश नजदीक, रूस के बाद अब इस महाशक्ति के पीछे पड़ा अमेरिका, हमले को मिसाइल रेडी पर लाए आ सकती है। अमेरिका ने चीन की मांग के बावजूद फिलीपींस में तैनात मध्यम दूरी के मिसाइल सिस्टम को तत्काल वापस लेने की कोई योजना नहीं बनाई है। अमेरिका ने फिलीपींस में अपना मिसाइल सिस्टम तैनात रखने का ऐलान कर दिया है और इससे चीन बहुत ज्यादा नाराज है। देखिए, युद्धपोत पनडुब्बी, 40,000 सैनिक, इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका की तीनों सेनाएं मौजूद, हर पल युद्ध के लिए तैयार हैं। और तो और, ये तो आपको मालूम ही है कि इजराइल और हमास का युद्ध पिछले एक साल से चल रहा है। इसके साथ ही अब लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने ये कार्रवाई शुरू कर दी है और ये कार्रवाई मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ाने वाला है। अमेरिका ने बड़ी संख्या में अपनी सेना भी तैयार कर दी है ताकि इससे निपटा जा सके। अफगानिस्तान में तालिबान का एक नया फरमान सामने आया है, शिक्षण संस्थानों में मोबाइल लाने पर बैन लगा दिया गया है। वही देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए व्यक्तिगत मतदान शुरू हो गया है, कई राज्यों में वोट भी पड़ गए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर व्यक्तिगत रूप से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मैदान में है तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार हैं। अना और देखिए, भारत ने कहा कि यूक्रेन को हथियार भेजने की रिपोर्ट गलत है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का रिकॉर्ड बेदाग है, नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। दरअसल भारत से गोला बारूद यूक्रेन भेजे जाने से जुड़ी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने इसे गलत और शरारतपूर्ण बताया है, अटकलें लगाने वाली और भ्रामक खबर है। चलिए बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा, महिलाओं से लेकर युवाओं के लिए योजनाओं की शुरुआत, बड़ी अपडेट खबर आई है। प्रधानमंत्री जी ने वर्धा में आयोजित एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र योजना की शुरुआत की है। वहीं पीएम मोदी ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र सरकार की पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत भी की है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में महिला स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया। वहीं देखिए, पीएम मोदी आज अमेरिका रवाना होंगे, क्वाड समिट में शिरकत करेंगे। 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री और इस दौरान पीएम मोदी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के ग्रुप द क्वाड्री लेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड में शिरकत करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही है, 2026 तक नक्सलियों का देश से होगा सफाया, अमित शाह ने शहर की बस्तर की दर्दनाक डॉक्यूमेंट्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। अमित शाह ने सोशल मीडिया ट्विटर पर बस्तर शांति समिति की ओर से
से बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री भी शेयर की है। और राष्ट्रपति ने आतिशी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया, केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर किया। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी का शपथ ग्रहण आज शाम 4:30 बजे होगा। आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। वक्फ बिल पर 90 लाख से अधिक सुझाव आए हैं। 3 मुस्लिम संगठनों का समर्थन। जेपीसी की बैठकें हो रही है, आपको मालूम ही है। वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को अब तक ईमेल के जरिए 90 लाख से भी अधिक सुझाव मिले हैं। और इस बिल पर शुक्रवार को दूसरे दिन भी बैठक हुई। जेपीसी की बैठक में 3 मुस्लिम संगठनों ने वक्फ विधेयक का समर्थन किया है। महाराष्ट्र से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहा है। एमवीए की बैठक में 60% सीटों पर राय बनी है। बगावत से बचने के लिए स्थानीय नेताओं पर भी फोकस किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की करीब 60% सीट बंटवारे पर चर्चा पूरी हो चुकी है। और साथ ही आज शनिवार को भी एक और महत्वपूर्ण बैठक होगी। वही देखिए, एनसीपी के दोनों गुटों को मिले नए चुनाव चिन्ह। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शरद पवार खेमा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकापा के दोनों गुटों को नए चुनाव चिन्ह दिए जाए। वही देखिए, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि गगनयान पर सावधानी रहेगी, बोइंग स्टार लाइनर जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने गगनयान मिशन को लेकर कहा कि हम पूरी सावधानी से आगे बढ़ेंगे और बोइंग जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। वही देखिए, राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा तय हो गया है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की चुनावी तैयारी के लिए राहुल गांधी 25 सितंबर को जम्मू का दौरा करेंगे। इसके अलावा श्रीनगर और जम्मू में अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार और रैलियों में भी शामिल होंगे। और ईडी ने 6 सालों में 16,537 करोड़ रुपए की जब्ती की है। एफएटीएफ ने केंद्रीय जांच एजेंसी की सराहना की है। ईडी की याचिका के खिलाफ कोर्ट पहुंचा मेहुल चौकसी। भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने वाली अर्जी खारिज करने की मांग की गई है। भारत ने मालदीव के लिए फिर खोला खजाना। लाखों डॉलर के ट्रेजरी बिल को रोल ओवर किया। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के पदभार ग्रहण करने के बाद भारत के मालदीव के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद मोइजू ने मालदीव से लगभग 88 भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाने की मांग करके द्विपक्षीय तनाव को भी बढ़ा दिया था। लेकिन मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने गुरुवार को यह घोषणा की कि भारत ने मालदीव सरकार के अनुरोध पर एक और साल के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल को रोल ओवर कर दिया। केंद्र ने सिंगर कन्हैया मित्तल की सुरक्षा बढ़ाई है, अब मिलेगी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। गायक कन्हैया मित्तल की केंद्र सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। और प्री मैरिटल काउंसिल सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगी शादी न मैरिज रजिस्ट्रेशन। केरल में इस तरह का नया नियम लागू हो रहा है। केरल महिला आयोग ने वैवाहिक विवाद को दूर करने और मजबूत पारिवारिक संबंधों को बढ़ावा देने के मकसद से इस तरह का प्रस्ताव बनाया है। वहीं अब खत्म हो जाएगी लाखों टैक्स पेयर्स की पेंशन। मोदी सरकार शुरू करने जा रही है खास स्कीम। सरकार डायरेक्ट टैक्स विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास 2.0 की शुरुआत 1 अक्टूबर से करने वाली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत नेपाल यात्रा के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। दिल्ली वालों को पसंद है रोंग साइड में वाहन चलाना। गुरुग्राम हादसे के बाद पुलिस की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दिल्ली में रोंग साइड यानी गलत दिशा में वाहन चलाने की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले इस साल 25% से ज्यादा का इजाफा देखा गया है। इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किए गए एक डेटा से मिल रही है। हिमाचल में सड़कों पर उतरे पेंशन धारक, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश में देरी से पेंशन मिलने से नाराज पेंशनर्स ने शुक्रवार को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले पेंशनर्स ने शुक्रवार को अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। दूसरी श्वेत क्रांति का आगाज, डेयरी समितियों से बदलेगी 1 लाख गांव की किस्मत। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने के लिए दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है और ये काम युद्ध स्तर पर किया जाएगा और इसे दूसरी श्वेत क्रांति की तरह देखा जा रहा है। अगले 5 साल में 56,586 नई डेयरी सहकारी समितियां और मिल्क पुलिंग पॉइंट्स की स्थापना होनी है और इसमें ऐसे गांव पर फोकस रहेगा जहां अभी डेयरी समितियां नहीं बनाई गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA की द्वारका आवासीय योजना के लिए 24 से 26 सितंबर के बीच ई नीलामी की जाएगी। ये लाइव ई नीलामी प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी और इसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। झारखंड से जुड़े महत्वपूर्ण बड़े अपडेट भी आ रहे हैं। हेमंत सोरेन ने DA में 16% की वृद्धि की है। पेंशनरों और किसानों को भी बड़ा अपडेट दिया गया है। हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो किसानों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देंगे। बैठक में राज्य कर्मचारियों के DA में 16% वृद्धि की स्वीकृति दी गई है और इसी तरह पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनधारियों के लिए DA को 9% बढ़ाया है। वहीं किसान भाइयों के लिए धान की खरीद पर MSP के साथ प्रति क्विंटल 100 रुपए बोनस भी मिलेगा। दिल्ली वाले सर्दियों में वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयार हो जाएं, सरकार ने विंटर एक्शन प्लान को फाइनल कर दिया है। ICAI ने CA जनवरी सेशन एग्जाम के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से इंटरमीडिएट कोर्स एग्जामिनेशन और फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन जनवरी 2025 के लिए कंप्लीट शेड्यूल जारी हो गया है। वहीं देखिए, कश्मीर के बड़गाम में एक बड़ा हादसा हो गया। BSF जवानों की एक बस खाई में गिर गई। 28 जवान घायल हो गए, 4 जवान शहीद हो गए। अनावर हेजा से मौत के मामले
मामलों में 71% इजाफा। WHO भी चिंतित है इस बीमारी को हल्के में ना लिया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक बीते कुछ सालों में हेजा यानी कोलरा के मामले चिंता का विषय बन गए हैं। इससे संक्रमित होने वाले लोगों और मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है और ये आंकड़े इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि 19वीं और 20वीं सदी में इस बीमारी ने पूरी दुनिया में तबाही लाई थी और इन दिनों भारत में तो हेजा से गांव के गांव उजड़ गए थे। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट देखिए। ग्लोबल बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के बाद सेंसेक्स 84,694 और निफ्टी 25,849 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। अमेरिका में ब्याज दरें घटी हैं, RBI भी कम कर सकता है, 0.5% घटकर 6% हो सकती है और ऐसे में लोन सस्ता मिलेगा, शेयर बाजार में भी तेजी देखने को मिलेगी। और मारुति वेगनार का वर्ल्ड एडिशन लॉन्च हुआ है, कीमत 5,65,000 रुपए से शुरू। किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिजनों को नौकरी। बड़ी खबर आ रही है, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चले संघर्ष में जान गंवाने वाले किसानों के 30 परिजनों को पंजाब सरकार ने नौकरी दे दी है। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने सभी लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे। और राजस्थान से जुड़ा RPSC से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आया है, अब कैंडिडेट का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी, RPSC को यह अनुमति मिल गई है, 6 महीने से ऐसा प्रयास हो रहा था। राजस्थान लोक सेवा आयोग को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार कार्ड के माध्यम से अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन करने की अनुमति प्राप्त हो गई है, यानी अब RPSC आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरण जैसे लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग और साक्षात्कार में अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन अब इसके माध्यम से किया जाएगा ताकि जो फर्जी कैंडिडेट है वो पकड़ में आ जाएंगे और ये RPSC आयोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ा फायदा रहेगा। डुप्लीकेट कैंडिडेट नहीं आएंगे तो जो मेहनत करते हैं उनको नियुक्ति मिलेगी। और मोदी 3.0 के अगले 100 दिन 15 लाख करोड़ की योजनाएं फिर शुरू होंगी, 200 दिन में 30 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की प्लानिंग। मोदी 3.0 यानी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में 15 लाख करोड़ की योजनाओं की शुरुआत हुई है और अब अगले 100 दिन में फिर से इतनी राशि की योजनाओं की शुरुआत होगी। PMO के सूत्रों ने कहा कि हर मंत्रालय से बड़े पैमाने पर योजनाओं पर खर्च करने को कहा गया है। और महाराष्ट्र के नंदुरबार में धार्मिक जुलूस पर पथराव हो गया, उपद्रवियों ने घर और गाड़ियों में आग लगा दी। CRPF ने कांस्टेबल के 11,541 पदों पर भर्ती निकाली है, 10वीं पास को मौका मिलेगा। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और एप्पल स्टोर पर मिलने लगी iPhone 16 सीरीज, दिल्ली मुंबई के स्टोर 3 घंटे पहले खुले, सुबह से ही लोगों की लाइनें देखी गई। iPhone 16 सीरीज के फोन 20 सितंबर से मिलने शुरू हो गए। और रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी जारी है, दिल्ली और मुंबई में घरों की डिमांड बढ़ रही है। साथ ही अगर आप भी कोई कारोबार करते हैं, किसी वस्तु या सर्विस की सप्लाई करते हैं तो आपके लिए सरकार को अपना सामान या सर्विस बेचना आसान हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए जो ऑनलाइन वेबसाइट यानी ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है जिसका नाम है GEM, अब इस पर कुछ और चार्जेज हैं उसे घटा दिए गए। ट्रांजेक्शन शुल्क में बड़ी कटौती की गई है, अब 10 लाख रुपए तक कोई भी ट्रांजेक्शन शुल्क नहीं लगेगा। वही देखिए, बैनर छापते छापते छापने लगा वीजा, खड़ा कर दिया 100 करोड़ का फर्जी कारोबार। दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, हवाई यात्रा से लेकर सरकारी कार्यालयों में हमारे कई काम पेपर लेस होते जा रहे हैं और यहाँ तक कि अब तो देश का बजट भी टेबलेट पर पढ़ा जा रहा है। इसके बावजूद देश में अभी भी फर्जी डॉक्यूमेंट का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि दिल्ली में एक बैनर छापने वाले ने फर्जी पेपर से 100 करोड़ रुपए तक का कारोबार खड़ा कर दिया, लोगों के फर्जी वीजा तैयार करके दिए और उन्हें ठग लिया। और नैनीताल में ई रिक्शा का किराया बढ़ गया, नया शुल्क लागू हुआ है, अचानक बढ़ी हुई कीमतों से लोगों में नाराजगी है। हिमाचल प्रदेश में 200 डॉक्टरों की भर्ती जल्दी होगी, सरकार ने लोक सेवा आयोग को ऑनलाइन प्रस्ताव भेज दिया है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लोन धारकों को बड़ी राहत मिलेगी, 1 टाइम सेटलमेंट में 80% तक ब्याज में छूट दी जा रही है। बैंक आपके लिए एक मुस्त समाधान योजना लेकर आया है, ये योजना 1 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों के लिए जरूरी अपडेट है। और बड़ी खबर देखिए, किसान भाइयों के लिए, किसानों को मिलेगा श्री अन्न बेचने का मौका, अक्टूबर से दिसंबर तक खरीद चलेगी, ऐप पर फटाफट आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के इस जिले में श्री अन्न यानी मोटे अनाज की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 31 दिसंबर तक चलेगी। किसान सरकारी समर्थन मूल्य पर ज्वार और बाजरा बेचने के लिए 9-9 केंद्रों पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट का फैसला, राज्य में बनेंगी 3 बड़ी बिजली परियोजनाएं, मंजूरी मिल गई है, विभिन्न विभागों में 180 पदों को भरने की मंजूरी भी मिली। वहीं किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है झारखंड को लेकर, धान पर 100 रुपए बोनस देगी झारखंड सरकार, जो भी हमने पहले अपडेट देख लिया था। और 5 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं, वीक ऑफ जरूरी, नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। राजस्थान में नया कोचिंग बिल लाने की तैयारी हो रही है, इसके लिए शिक्षा विभाग सभी स्टेक होल्डरों से उनके सुझाव मांग रहा है, राजस्थान से जुड़ा यह महत्वपूर्ण अपडेट था। वही देखिए, झारखंड में 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा को लेकर अपडेट आ रहा है। झारखंड में 21 और 22 सितंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तहत झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। परीक्षा को देखते हुए 21 और 22 सितंबर को सुबह 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक पूरे झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है। झारखंड में अब
धनबाद में भी मिलेगा BH सीरीज का गाड़ी नंबर, पुराने झंझटों से छुटकारा मिलेगा। झारखंड के धनबाद में भी अब BH सीरीज में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। परिवर्तन यात्रा में अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है, कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर भेजेंगे। सरकार बनने पर बांग्लादेश से घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, अब दिव्यांग छात्रों को स्कूल आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में 1013 दिव्यांग छात्रों को सहायक रखने के लिए 60 लाख रुपए दिए गए। पढ़ाई के बाद उन्हें घर पहुंचने की जिम्मेदारी सहायक को दी जाएगी। 600 रुपए प्रति महीने इन्हें भत्ता मिलेगा। वहीं देखिए, इंतजार खत्म। 23 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी रिवर राफ्टिंग, इस बार 3 हफ्ते देरी से शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश में अब मृतकों के नहीं बनेंगे DL, परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। अभी तक सभी लाइसेंस के लिए फेसलेस में OTP की व्यवस्था थी, अब इसके साथ ही बायोमेट्रिक की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे हर तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत लखनऊ से होगी और सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। परिवहन विभाग ने आवेदकों को घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनाने की सुविधा दी है, लेकिन साइबर ठगों ने इस सुविधा में सेंध लगाई और जिंदा तो छोड़िए मृतकों तक के लाइसेंस जारी कर दिए। ये मामला तब खुला जब परिवहन विभाग के अफसरों के होश पकता हो गए, लेकिन अब ये नई व्यवस्था लागू होने की तैयारी हो रही है, बायोमेट्रिक की व्यवस्था लागू होगी। यूपी में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर, उपभोक्ताओं को बिजली खपत का रियल टाइम डेटा मिलेगा। सावधान रहिएगा, बच्चों ने गाड़ी चलाई तो माता पिता को देना पड़ सकता है 25,000 रुपए का जुर्माना और जेल भी जाना पड़ सकता है। यूपी के सहारनपुर में कुछ दिन पहले एक सड़क हादसा हुआ, जहां एक थार गाड़ी को 12 साल का एक किशोर चला रहा था। तो अगर ऐसे मामले फिर से अब देखने को मिलेंगे तो बड़ा जुर्माना लग सकता है। माता पिता के लिए तो जरूरी अपडेट है ही। वही देखिए, प्लेटलेट के लिए कितना जरूरी है बकरी का दूध और पपीते के पत्ते, आयुर्वेद डॉक्टर ने राज खोला है। बारिश के मौसम में अक्सर लोगों के मलेरिया और डेंगू से पीड़ित होने के मामले भी सामने आते हैं। बारिश के बाद जल जमा होने से पनपने वाले मच्छरों से इस गंभीर बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। कमजोरी, बदन दर्द, बुखार जैसे प्रारंभिक लक्षण के बाद ये बीमारी बढ़ती है और इसका समय पर उपचार नहीं किया जाता तो डेंगू जानलेवा भी हो जाता है। डेंगू होने के बाद मरीज का प्लेटलेट भी तेजी से कम होने लगता है और प्लेटलेट को बढ़ावा देने के लिए लोग एक दूसरे को कई प्रकार के घरेलू उपचार की सलाह भी देते हैं। हालांकि ये फायदेमंद हो सकता है या नहीं, इस पर एक जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी हैं डॉक्टर प्रभात कुमार जी, उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने एक चैनल से बातचीत में बताया कि आयुर्वेद में भी पपीते के पत्तों का जूस पीने से मिलने वाले फायदों के बारे में बताया गया है। पपीते की पत्तियां न सिर्फ प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में मदद करते हैं, बल्कि डेंगू के लक्षणों और खून को स्वस्थ बनाने में भी मदद करते हैं। शरीर में प्लेटलेट कम होने पर पपीते के कोमल पत्ते का रस निकालकर सुबह शाम एक एक कप का सेवन करने से प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही पपीता खाना भी फायदेमंद रहता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रभात ने यह भी बताया कि पपीता के अलावा बकरी का दूध प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाने के लिए एक आसान और प्रभावी उपाय भी माना जाता है, क्योंकि बकरी के दूध में सेलेनियम होता है जो शरीर में ब्लड प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इस तरह से अपडेट आया, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया। काम की बातें आप लोगों को हम जरूर बताते हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए, मौसम और मानसून से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में। यूपी के 450 गांव डूबे, बिहार में गंगा उफनाई। यूपी में लगातार बारिश से 21 जिलों के 450 से ज्यादा गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, सरयू नदियां उफान पर चल रही हैं। कानपुर में 2000 घर बाढ़ में डूब गए, कई मकान ढह गए, 10,000 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। इधर पटना में गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। वैशाली में भी गंगा के उफान पर होने से राघोपुर दियारा की सड़कों पर बाढ़ का पानी आ गया। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के चलते नेशनल हाईवे 5 भारत तिब्बत समेत 37 सड़कें बंद कर दी गई। पश्चिम बंगाल में भी कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 3 लोगों की जान भी जा चुकी है, 2.5 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बाढ़ से निपटने के लिए फंड जारी करने को भी कहा है। उन्होंने लिखा है कि साल 2009 के बाद राज्य में ऐसी बाढ़ आई है। फिलहाल भोपाल में दिन भर धूप खिली, रात में हल्की फुल्की बरसात देखने को मिली। अगले 3 दिन तक तेज बारिश का मध्य प्रदेश में अलर्ट नहीं है। राजस्थान में इस साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, 116 साल में तीसरी बार इतनी बरसात हुई है। 57% बांध ओवरफ्लो हो गए। मौसम विभाग ने कहा कि पिछले 116 सालों में यह केवल तीसरा मौका रहा जब राजस्थान में इतनी अधिक बरसात हुई है। बिहार का यूपी से संपर्क टूटा, उफान पर कर्म नासा। बिहार में अगले 5 दिनों तक हालांकि मानसून की गतिविधियां कमजोर ही रहेगी, कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश की ज्यादा संभावनाएं नहीं है। गंगा में उफान, पटना, वैशाली जिला के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सीएम नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण भी किया। छत्तीसगढ़ में भी अगले 7 दिन तक मानसून की एक्टिविटी कमी देखने को मिलेगी। अब कुछ राज्यों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट जान लेते हैं। RAS प्रियंका बिश्नोई की मौत के मामले में रिपोर्ट सौंपी गई है। कलेक्टर ने कहा कि सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, सीधा सरकार को भेजेंगे। जोधपुर की असिस्टेंट कलेक्टर ACM रही प्रियंका बिश्नोई, जो 33 साल की उम्र है, इनके भी हाल ही में जांच चली गई थी। मामले की जांच रिपोर्ट शुक्रवार को कलेक्टर गौरव अग्रवाल को सौंप दी गई। वहीं प्रियंका बिश्नोई के इलाज में लापरवाही के आरोपों को लेकर अब चिकित्सा विभाग की ओर से एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। राजस्थान में सूचना सहायक का रिजल्ट जारी हो गया है। 20 सितंबर को सूचना सहायक का रिजल्ट जारी हुआ। राजस्थान के मंदिरों के प्रसाद की भी जांच की जाएगी। रोजाना लगने वाले भोग के नमूने लिए जाएंगे। फूड डिपार्टमेंट अभियान चलाएगा। वहीं राजस्थान में कर्मचारी अब सास ससुर को भी कर सकेंगे RGHS में
शामिल। वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी की है। 7 लाख कर्मचारियों को विकल्प मिलेगा। राजस्थान में राज्य सरकार के कर्मचारी अब राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS में अपने माता पिता के अलावा सास ससुर को भी शामिल कर सकेंगे। कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है और अधिसूचना के बाद यह संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गया है। अभी तक क्या होता था, राजस्थान में सरकारी कर्मचारी RGHS में चिकित्सा सुविधा के लिए केवल माता पिता को ही शामिल कर सकते थे, लेकिन अब सास ससुर में से किसी एक को भी चिकित्सा सुविधा के लिए सम्मिलित कर सकते हैं। राजस्थान में इन्हें 1 साल की अवधि के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर शुरू की गई गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों के लिए ये बड़ी खबर है। पूरे राजस्थान में अगले सप्ताह से 1 पखवाड़े तक कैंप लगेगा। योजना में पात्र गोपालकों को 1 साल की अवधि के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा यानी लोन मिलेगा। 25 सितंबर से 9 अक्टूबर तक की अवधि के दौरान राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर डेयरी समितियों और केंद्रीय सहकारी बैंक यानी पैक के संयुक्त कैंपों में गोपालकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। राजस्थान में प्रोग्रामर भर्ती परीक्षा की तारीख को लेकर विवाद बढ़ा है। 27 अक्टूबर को परीक्षा कराने की तैयारी में RPSC। वही मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए। 24 सितंबर को 5,000 करोड़ रुपए कर्ज लेगी सरकार। 2 महीने में 15,000 करोड़ का लोन। अगस्त में 10,000 करोड़ का लोन लिया था। भोपाल में लघु वेतन कर्मचारी संघ का प्रदर्शन। स्थायी कर्मी, दैनिक वेतन भोगी और अंशकालीन कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान करने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में भत्ते पर नया अपडेट आया है। 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इन भत्तों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाएगा। वहीं MP में देखिए, पूरे प्रदेश में किसानों का हल्ला बोल। सड़कों पर उतरे हजारों ट्रैक्टर। पूरे मध्य प्रदेश के किसान 20 सितंबर को सड़कों पर उतरे। हजारों किसानों ने कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा के मद्देनजर ट्रैक्टर की महारैली की है। किसानों ने सरकार से सोयाबीन 6,000 रुपए और गेहूं 3,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ बंद रहने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। CM साय ने भी कहा है, विपक्ष का धर्म निभा रही कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और कवर्धा जिले के लोहारी डीए की घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। वहीं CM ने कहा कि कवर्धा मामले में दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। आज 21 सितंबर को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है ना। और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में माइक्रो फाइनेंस कंपनी स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड से फर्जी तरीके से लोन पास कराकर खुद की कंपनी खोलने वाले पति पत्नी समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए। आरक्षण ने अटका दिया 10 लाख कैंडिडेट्स का रिजल्ट। एक्सपर्ट ने कहा, मेरिट के बावजूद स्टूडेंट्स बेरोजगार हैं। बिहार की 5 बड़ी परीक्षा का रिजल्ट पेंडिंग है और इसमें लगभग 10 लाख कैंडिडेट्स का भविष्य बसा हुआ है। बिहार के पहले बिहार इंटर स्कूल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन 1 अक्टूबर से शुरुआत होगी। क्रिकेट, चेस और BGMI गेम में खिलाड़ी भाग लेंगे। 1 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज है। चंडीगढ़ के अस्पतालों में सुरक्षा ऑडिट पूरा। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। नई कमेटी गठित हुई है। विजिटर के लिए पास की व्यवस्थाएं भी रहेगी। वहीं पंजाब में 600 बसों के परमिट रद्द हो गए। प्रदेश ट्रांसपोर्ट विभाग ने कार्रवाई की है। अब पंजाब में बनेंगे BMW के पार्ट्स। मंडी गोविंदगढ़ में प्लांट लगेगा, CM भगवंत मान ने ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश में भी कैबिनेट के कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। विदेशों में पढ़ाई के लिए 1% ब्याज पर ऋण मिलेगा। इसके अलावा भी और कई बड़े फैसले लिए गए। कुल्लू आने वाले पर्यटकों के लिए गुड न्यूज है, फिर से शुरू हुआ पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग। बिहार से जुड़ी खबर देखिए। भागलपुर और रांची के बीच चलेगी परीक्षा विशेष ट्रेन। JSSC CGL परीक्षार्थियों को सुविधा मिलेगी। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने की कीमतों में तेजी जारी है, चांदी में भी बढ़त है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 608 रुपए बढ़कर 74,093 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी का भाव 499 रुपए बढ़कर 88,917 रुपए प्रति किलो पर आ गया। और अब देख लेते हैं कि आज के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशिफल, 21 सितंबर का राशिफल क्या कुछ कह रहा है, आइए एक नजर डालते हैं। 21 सितंबर शनिवार को वृष राशि वालों के बिजनेस की परेशानियां सुलझेंगी। मिथुन राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा होगा। कन्या राशि वालों के लिए आज दिन अच्छा है, उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने के योग है। तुला और वृश्चिक राशि के नौकरी पैसा लोगों को पदोन्नति मिलने की संभावना है। धनु राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। मकर राशि के लोग नौकरी और बिजनेस के फैसले खुद लें, फायदा होने के योग है। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो में और क्या सुधार देखना चाहते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा, सुझाव भी दीजिएगा। और आप किस राज्य में निवास करते हैं अपने राज्य का नाम जरूर बताइए ताकि आपके राज्य से जुड़ी बड़ी खबरें ज्यादा से ज्यादा शामिल करेंगे। और एक प्यार भरा सा निवेदन, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों, जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही अपडेट्स हम रोज देखते रहें। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर से जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।